कुछ खुशी खुशी भी था, गाड़ी पर भी बातचीत करते, खुशी खुशी आ रहे हैं। तो उधर से अच्छा, पीछे से पता नहीं कैसे मारा हम लोग का, फिर पता नहीं चला। आप बेहोश हो गए थे? हाँ, गाड़ी में बेहोश हुए। आपकी गाड़ी जो थी वो पिकअप में थी या नॉर्मल था? मेरा गाड़ी नॉर्मल में था। वही तो मैं बोला भी ड्राइवर को कि बेशक मेरे को 1 घंटा हो जाए वहीं, मैं जहाँ खुला था गाड़ी, हमको बेशक रात हो जाए लेकिन गाड़ी आराम से चलना है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में दुल्हा और दुल्हन की मौत हो गई थी। उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं जो उस गाड़ी पर सवार थे और उस घटना में बाल बाल बचे थे, क्योंकि ये उसी दुल्हा के अपने सगे बहनोई हुए। इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर चौधरी। शंकर चौधरी जी, श्याम आपके साला थे। उन्हीं की शादी में आप बारात गए थे? हाँ, बारात ही गए। सतुआ गांव बारात गए थे? सतुआ गए थे। शादी दिन में हुई? दिन में हुई। रात में जयमाला वयमाला हुआ? सब कुछ खुशी खुशी बीता? सब कुछ खुशी खुशी बीता, गाड़ी पर भी बातचीत करते, खुशी खुशी आ रहे हैं। तो अच्छा, पीछे से पता नहीं कैसे मारा हम लोग का, फिर पता नहीं चला। आप बेहोश हो गए थे? हाँ, गाड़ी में बेहोश हुए। आप लोग बेहोश हो गए थे है ना? और आपके साथ एक आपके साढ़ू नए वाले थे? जी, नया वाला भी था, एक छोटा मेरा लड़का भी था। अच्छा, ये था बच्चा भी है। वो बच्चा को भी हम दिखाते हैं जो उस घटना में साथ था। ये बच्चा डर रहा है, हम आपको दिखा देते हैं तस्वीर के माध्यम से। ये बच्चा अपनी अपने मामू के साथ में था। रोन मत बेटा, है ना, ये बच्चा है और ये उनके बहनोई हुए, है ना। तो अंतिम कुछ बात श्याम से हुई थी? क्या वो बोलते आ रहा था? कुछ नहीं, वही मतलब ऐसी बातचीत होता रहा था। क्या कुछ ऐसा अंतिम शब्द उसका कुछ याद है? नहीं, जीजा ये घटना ऐसे था, वहाँ ये व्यवस्था नहीं था, कुछ नहीं, ये सब उसका बात नहीं, कोई कुछ नहीं बता रहा था? नहीं, ये लोग खुशी में था। नहीं, हम लोग खुशी खुशी आ रहे थे उधर। तो हंसी मजाक की कुछ बात नहीं चल रही थी? नहीं, कुछ नहीं। लड़की से कुछ बातचीत? नहीं, लड़की से भी नहीं। आप वो घटना देखे तो फिर क्या हुआ? आप तो बेहोश हो गए थे। हम गाड़ी में बेहोश था, हमको कोई पता नहीं था, हमको हॉस्पिटल में जाकर होश हुआ। पावापुरी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हम देखे तो मैं देखा कि मैं तो था असी में गाड़ी में, मैं यहाँ क्यों आया? तो एक लड़का दरगाही भी आके, एक दोस्त असी था लड़का, वही बोला कि ऐसे लड़का लड़की स्पॉट डेट हो गया है और हम लोग। अच्छा, बस लड़का लड़की स्पॉट डेट हो गया है, स्पॉट डेट हो गया सड़क दुर्घटना। हाँ, से आप लोग हिम्मत रखिए, वही हिम्मत रखे वहीं पे। क्या नाम आप अपना बताए? शंकर चौधरी। शंकर जी है ना, श्याम आपका साला था, साला था, उसी की शादी थी है ना? उसी का थी। उसके एक दिन पहले आपके साली की शादी थी? हाँ, उसी सुनीता की जी, सुनीता है ना। जिंदगी की यही सच्चाई है ना। हम समझ रहे हैं, इनकी भावना को नहीं कुरे दूंगा, लेकिन ये उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। शादी कराकर अपने सरहज को साथ लेकर ये आ रहे थे। इनके साथ इनका साला और सरहज दोनों था, जो विदाई होने के बाद अपना घर आ रहा था। नई नवेली दुल्हन ये अपने घर की दहलीज पर आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही काल ने उसे रोक लिया और सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। पूरे घर के पास आप देख सकते हैं भीड़, मातम पसरा हुआ है, घर में सन्नाटा छाया हुआ है, प्रत्येक परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दोनों परिवार की हालात को हमने आपको दिखाया। आप भी सड़क पर चलते हैं, संयम के साथ चलिए, तेज रफ्तार। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए है ना शंकर जी, आपकी गाड़ी जो थी वो पिकअप में थी या नॉर्मल था? मेरा गाड़ी नॉर्मल में था। नॉर्मल था जी, मैं वही तो मैं बोला भी ड्राइवर को कि बेशक मेरे को 1 घंटा हो जाए वहीं, मैं जहाँ खुला था गाड़ी, हमको बेशक रात हो जाए लेकिन गाड़ी आराम से चलना है, आराम से चलना, आराम से चलना है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई गाड़ी ड्राइवर का कहीं और भी भाड़ा था? नहीं जी, भाड़ा नहीं था, अपना गाड़ी था। अपना गाड़ी था जी, है ना। तेज आपकी गाड़ी रफ्तार में नहीं थी? नहीं जी। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? 2-3 पलटनी गाड़ी मारी है? पीछे से मारी है, पीछे से मारी है ना, ट्रैक्टर था। हाँ जी, उस पे बालू लोड था। हाँ, जो मारा ना तो एक साइड से जैसे मारा तो अनबैलेंस हो गई गाड़ी, नचते नचते जाके उनमें से हुआ, अनबैलेंस हो गई गाड़ी है ना। हाँ
हाँ बढ़िया सुन गया मारा लेकिन ट्रैक्टर हाँ ट्रैक्टर मारा ड्राइवर भी नहीं कहूँ फेंकाया ड्राइवर जैसे किसी था ट्रैक्टर का ड्राइवर नहीं मेरा आपके ड्राइवर जी यानी आपके गाड़ी का ड्राइवर हाँ जी जस का तस था उसको कोई दिक्कत नहीं हुई उसको भी दिक्कत नहीं हुआ खाली उसको मार दिया सब वहीं बोला बहुत मार मारा उसको पब्लिक लोग मारा पब्लिक लोग तो पब्लिक को तो मॉब में इतना ही समझ में आता है कि ड्राइवर का गलती है ड्राइवर की कोई गलती नहीं था आपके ड्राइवर की कोई गलती कोई गलती नहीं था ड्राइवर मेरा तो ये शंकर चौधरी हैं जो श्याम के अपने वहनोई हुए और ये अपने साले के बारात में शतौआ गांव गए थे जहां से लौटने के दौरान इनके आंखों के सामने ये घटना घटी थी कभी और भी ऐसी घटना आपके आंख के सामने घटी थी नहीं जी हमको नहीं कभी भी किसी कभी भी नहीं कोई ऐसी घटना नहीं अपना जब भी ये घटना घटा एकदम अपना पहली बार में देखे घटना पहली बार ऐसी घटना देखे जी है ना तो ये पहली बार ऐसी घटना देखे हैं निश्चित तौर पे इस घटना को देखकर ये भी विचलित हो गए होंगे उस समय और ये खुद बेहोश हो गए थे इन्हें हॉस्पिटल में जब ले जाया गया वहीं इन्हें होश आया है इनके अपने एक सगे साढ़ू राहुल अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इस घर में मातम पसरा हुआ है दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।